वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और इसका मैं बस कंटिन्यूएशन में ही शुरू कर रहा हूँ। जैसे कि लास्ट उसमें मैंने बात किया था कि मैं आपको क्या बताऊँगा, आपको मैं डिफरेंशियल लेंथ के बारे में बात करने वाला हूँ कि भाई डिफरेंशियल लेंथ क्या होती है। तो डिफरेंशियल लेंथ के बारे में मैंने बात आपसे की थी। तो अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा बैक वापस जाके, तो ये मैंने आपसे सब डिस्कस किया था कि ये सिलेंड्रिकल में कैसे हम लेंथ निकालते हैं, फिर हम कार्टेशियन प्लेन में कैसे लेंथ निकालते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। स्पेशली डिफरेंशियल जब मैंने सिलेंड्रिकल समझाया था तो आपको बताया था कि ये वाला ऑप्शन हमारा, ये वाला जो हमारा डीएल लेंथ आपने लिखी हुई है, ये रॉन्ग आंसर क्यों है, और ये डीएल अगर हमने ये लिखा हुआ है तो ये राइट आंसर क्यों है। इसके बारे में बहुत चर्चा हुई थी, क्योंकि आपने देखा था कि अगर हम आप कार्टेशियन प्लेन भी बात करें तो वहाँ पे हम सिंपल क्या करते थे, डीएक्स डीवाई और डीजेड का यूज़ कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे हम सिंपल हम डी रो और डी फाई और डी जेड की बात नहीं करते, हम डी फाई में एक टर्म रो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना था कि ये रो मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है। इसका हमने डिटेल डिस्कशन इस वाली स्लाइड से किया था, आपको प्रोजेक्शन लेके प्रॉपर समझाने की कोशिश की थी। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, बहुत क्लियर होना चाहिए हर स्टूडेंट को, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या है, स्फेरिकल सिस्टम की बात करता हूँ। जब भी मैं स्फेरिकल सिस्टम की बात करता हूँ, आपके इमेजिनेशन में तुरंत एक बॉल आनी चाहिए, और बॉल का जो सेंटर पॉइंट है वो कहाँ पर रखा हुआ है, एक्स वाई जेड के प्लेन के सेंटर पॉइंट पे रखा है। मतलब इस बॉल का अगर मैं बात करूँ तो ये ओ पॉइंट होगा तो गलत नहीं होगा, ओ पॉइंट होगा तो गलत नहीं होगा। और इस बॉल को अगर मैं कहूँ कि ये मेरी एक्स डायरेक्शन है तो बिल्कुल ठीक होगा, ये मेरी जेड डायरेक्शन है, ये भी मैंने दिखा दी है। स्फेरिकल प्लेन में एक्स वाई जेड नहीं होता, लेकिन मैं बार बार आपको एक्स वाई जेड प्लेन इसलिए लिखता हूँ जिससे आप इजीली कनेक्ट कर सकें, क्योंकि आपके दिमाग में ज़्यादातर हमारे में एक्स वाई जेड प्लेन ही होता है इसलिए। चलिए अब उसी में अगर ट्रेवल करके आप देख रहे हैं, मैं एक्स डायरेक्शन में अगर आगे बढ़ूंगा तो ये पूरी की पूरी अगर मैं आपसे डिस्टेंस बोलूँ क्या है, तो आप बोलेंगे ये आर डिस्टेंस है, क्योंकि अगर इस बॉल के सरफेस पे मुझे जाना है सेंटर से तो वो डिस्टेंस कितना है, आर का डिस्टेंस ट्रेवल होगा। इसी तरह मैं बात करूँ कि अगर मैं जेड एक्सिस पे चला जाऊँ कि मैं ओ से ट्रेवल कर रहा हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ, ओ से ट्रेवल करता हुआ धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं ये जेड एक्सिस पे पहुँच गया और यहाँ पे मैंने ये एल पॉइंट को ही ले लिया है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ओ एक्स का डिफरेंस बराबर ओ एल बराबर क्या है, तो मैं बोलूँगा ये आर का डिस्टेंस है, क्योंकि आप कहीं भी जाएँ ये डिस्टेंस कितना होने वाला, आर होने वाला है। तो अब देखिए, अब ये वाला पॉइंट सपोज मैं ले लेता हूँ, ये देखिए ये मैंने डार्क थोड़ा करने की कोशिश की है इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को ऐसे बाहर निकाल के मैंने लिखने का कोशिश किया है, ये मेरा पी पॉइंट। अगर पी पॉइंट को मैं कार्टेशियन प्लेन में लिखूं तो मैं लिखूंगा एक्स कामा वाई कामा जेड, और इसी को अगर मैं स्फेरिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूं तो आर थीटा और फाई, ये दोनों ही सेम चीज़ है, लेकिन ये क्या है, ये कार्टेशियन प्लेन में है और ये दूसरा वाला आर थीटा फाई स्फेरिकल पॉइंट में। तो अब देखिए, ओ से मैं चलना शुरू किया और यहाँ पर पहुंचा, सपोज करिए ये पॉइंट पी में नाम दे देता हूँ इसका, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। तो ओ से मैं चलना शुरू कर रहा हूँ और पी तक जितना डिस्टेंस मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, ये क्या है मेरा, देखो डिस्टेंस, ये मेरा आर है, मैंने डार्क लिख रखा है रेड से, ये मेरा आर है। और अब आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा यहाँ आर था और ये भी आर है। अब ये मैंने एंगल बना रखा है एक थीटा, ये भी नई बात नहीं है, अगर इसको नहीं समझ में आ रहा वो मेरे पहले पुराने वाले वीडियो पे चला जाए तो उसको समझ में आ जाएगा ये थीटा कैसे है। थीटा क्या है, थीटा अगर बात करूँ तो ये होता है एंगल फ्रॉम जेड एक्सिस। तो ये जो थीटा है वो डिफाइन किया जाता है जेड एक्सिस से, जो एंगल होता है। तो देखिए, जेड एक्सिस से मैंने ये एंगल डिफाइन कर लिया, तो यहाँ से मैं यहाँ पर आ गया, तो मैं पी पॉइंट से पे हूँ अगर मैं ये थीटा। अब मुझे ये थोड़ा सा और अगर अपना डी आर ट्रेवल करना है, तो देखिए ये वाला एक छोटा सा डी आर मैंने ये कट कर रखा है पॉइंट, तो ये थोड़ा सा जो डी आर मैंने एक पॉइंट कट किया है, डी आर होगा। आप तुरंत अपना दिमाग थोड़ा सा अपने 12th लेवल की फिजिक्स में ले जाइए, जहां हम इंटीग्रेशन करते हैं, मैं बार बार आपसे बताना चाहूंगा वहां पे आप हमेशा क्या करते हैं। देखिए, आप जब भी इंटीग्रेशन होता है तो आप बोलते हैं ये एल लेंथ है, एल लेंथ के बाद क्या किया आपने, आपने एक जो है छोटा सा एक ये डीएल का पोर्शन कट कर लिया है डीएल। अब फिर आप क्या करते हैं, इसको पूरा इंटीग्रेट करने के लिए आप इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, आप डीएल लिखते हैं और अपनी सारी प्रोसेस को करते हैं। आपको 12th लेवल की फिजिक्स अगर याद हो जरा भी हो, तो सेम काम ऐसे ही होने वाला है। ये या ओ से लेके पी तक का अगर लेंथ आप मुझसे पूछोगे कि व्हाट इज द ओ पी, तो मैं बोलूंगा ओ पी इज इक्वल टू आर, आप ले सकते हैं। और वहीं पर मैंने एक छोटा सा डिस्टेंस ये कट कर रखा है, ये तो ये भी ये डिस्टेंस जो स्मॉल डिस्टेंस है वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, ये मेरे लिए डी आर का पॉइंट बन जाएगा। तो जैसे कि आज हमारा पर्पज है यहाँ डी एल लिखना, तो अगर मैं ये एक्स वाई एक्सिस पे होता तो मैं आर को कैसे लिखता, डी एल को, ये मैं बहुत ही सिंपल तरीके से लिखता था, ए एक्स को एक्स कैप लिख देता, फिर मैं ये डी वाई को ये लिख देता, फिर मैं ए वाई यहाँ लिख देता, फिर मैं यहाँ पे डी जेड और ए जेड लिख देता, तो ये मेरा पॉइंट यहाँ पे खत्म हो जाता।
इसी तरह अगर आपसे बोलूं कि मैं स्फेरिकल पॉइंट में लिखना है, तो आप इसको देख के ये लिख सकते थे कि सर स्फेरिकल पॉइंट तो बड़ा आसान है, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हमने डी आर लिख दिया है, ए आर लिख देते हैं, फिर यहाँ पर हम डी थीटा लिख देते हैं और ए थीटा लिख देते हैं, और यहाँ पर हमारा तीसरा पॉइंट आ जाएगा, वो आ जाएगा डी फाई और ए फाई लिख देते हैं सर हम, और हमारा ये काम खत्म हो जाएगा। तो मैं फिर बोलूंगा कि आपने अगर ऐसा कर दिया इस बेसिस पे, तो ये जो पूरा का पूरा आप लिख रहे हो, ये पूरा का पूरा आपका क्या होने वाला है, इट इज ए रॉन्ग आंसर। अब ये अगर रॉन्ग आंसर है तो फिर राइट आंसर क्या है, तो देख लेते हैं। राइट आंसर मैंने नीचे लिख रखा है, ये देखिए मैं नीचे आ रहा हूं आपको, ये देखिए मैंने डीएल का लिख रखा है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब ये देखिए ये जो है करेक्ट आंसर है मेरा, जो डीएल के फॉर्म में लिख रखा है। तो आप देखेंगे ये डीआर तो मैंने ठीक लिखा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डी थीटा नहीं है, डी थीटा के साथ आर को मैंने मल्टीप्लाई किया है, इसी तरह इसमें डी फाई के साथ मैंने आर साइन थीटा को मल्टीप्लाई किया है। तो आज बस हमारा पर्पस जो वीडियो का है, बस इतना समझना है कि ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये क्यों है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसको डिटेल में समझने के लिए। तो क्या करना है मेरे को, सबसे पहले मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको। देखिए ये वाला पॉइंट भी मैं एक ले लेता हूं, अगर इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट को मैं अगर इसको एम नाम दे देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो एम से मैंने एक यहाँ पर प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और लाइन कहाँ जा रही है, ये एक्स वाई प्लेन पे एक परपेंडिकुलर लाइन जा रही है जिसको मैंने एन नाम दे दिया, तो ये सारे स्टूडेंट के समझ में आना चाहिए कि यहाँ से लेके ओ से लेके एम तक का जो डिस्टेंस मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, देखो ओ से चलना शुरू किया और एम से, ओ से एम का डिस्टेंस क्या है, ये मेरा आर है, लेकिन ओ से एम के डिस्टेंस में बात करूँ तो ये मेरा अगर थीटा एंगल है, तो ये एक्स वाई एक्सिस पे जो बाकी एंगल बना रहा है मेरा, रेस्ट ऑफ द एंगल, ये क्या होना चाहिए, आप खुद सोच के बताइए मुझे। अगर ये एंगल थीटा है तो बाकी एंगल क्या होगा मेरा, 90 माइनस थीटा होगा। ये बात आपके समझ में आना चाहिए कि ये एंगल अगर मेरा थीटा है जेड एक्सिस से, तो रेस्ट ऑफ द एंगल जो होगा मेरा, क्योंकि ये तो बहुत डी थीटा है, वेरी स्मॉल एंगल, तो इसको रेस्ट ऑफ द एंगल को मैं मान लूँ तो ये पूरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है, समझ में आता है। तो इसका अगर मैं प्रोजेक्शन यहाँ डालूंगा एम पे, तो ये जो लाइन एक्स वाई से बनने वाली है, ये एंगल बहुत छोटा सा एंगल लग रहा है ये, लेकिन एंगल 90 डिग्री है। ये सब छोटी छोटी बातें आपको कब समझ में आएंगी, जब आपका विजुअलाइजेशन ठीक होगा, कि अगर आप एक सरफेस पे हैं बॉल के, और मैं इस बॉल को बीच से काट कट कर रहा हूँ, तो बीच से जैसे ही मैंने कट किया, वहाँ कौन सा प्लेन एग्जिस्ट करता है, एक्स वाई प्लेन एग्जिस्ट करता है। अब आप इस सरफेस से, बॉल के किसी भी सरफेस से ऊपर वाले अगर किसी एक्स वाई एंगल पे परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, तो उसका एक्स वाई से जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनने वाला है। तो ये थोड़ी सी एक बात है जो विजुअलाइजेशन की है, जो अगर किसी स्टूडेंट के बहुत जल्दी समझ में आती है, तो एक अच्छी फीलिंग अपने अंदर ला सकता है, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही कुछ कॉन्सेप्ट ऑलरेडी माइंड में बिल्डअप है, तभी उसको ये इतना इमेजिनेशन वाला सब्जेक्ट बहुत इजीली समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर वो एफर्ट डाले राइट डायरेक्शन में, तो एक अच्छी रैंक एक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अचीव कर सकते हो। लेकिन जिसको ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब नहीं है कि वो अच्छा स्टूडेंट नहीं है, वो और भी अच्छा स्टूडेंट है, क्योंकि वो एफर्ट देने के लिए तैयार है, तभी तो मेरा वीडियो सुन रहा है। तो आप मेरे साथ बने रहो, मैं आपके 12th के भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, बस बने रहो वीडियो में, और पेन और पेपर लेके जरूर बैठो, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ और बात करता हूँ, देखो डी थीटा की, देखिए आप ये मेरा डायग्राम है जो मैंने खुद से बनाया है आप लोगों के लिए, तो इसमें फिर से बात करते हैं। देखो ये एक ओ है, और ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये आपका एम पॉइंट है, या आपका एल क्यू पॉइंट ले लेते हैं। चलिए इसको देखिए, ओ से क्यू तक का ये डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस है मेरा पूरा का पूरा ले लेंगे तो ये आर का डिस्टेंस है, तो इसी में मैंने छोटा सा एक जो है अपना काट रखा है पॉइंट डी आर का, है ना, ये भी मेरा डी आर है और ये भी मेरा डी आर है, कोई बात करेगा तो ये मैं क्या बोलूँगा इस लेंथ को, मैं डी आर लेंथ बोलूँगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो तो एंगल क्या है, ये थीटा एंगल है, इसको मैं बड़े साइज में यहाँ से बना देता हूँ, ये क्या है एंगल, ये आपका थीटा एंगल है। वो कहाँ से कहाँ तक का है, देखो ये जेड एक्सिस है, और जेड एक्सिस से ये जो मैंने लाइन खींची है इसके बीच का एंगल, तो अब ये तो पूरा का पूरा तो एंगल ये थीटा हो गया। अब थीटा के बाद मैंने थोड़ा सा ये डी थीटा कट किया है, अब डी थीटा को दिखाने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ ना, पूरा डार्क करने वाला हूँ, पूरा का पूरा डार्क कर दूंगा आपके लिए। ये कलर कोडिंग भी मैं बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहता हूँ, जिससे आप कंफर्टेबल फील करें, आपकी कंफर्टेबिलिटी का पूरा जो है मैं ख्याल रखूंगा पूरे वीडियोज में। तो ये देखिए अब जितना डार्क पोर्शन है ना, वो डार्क पोर्शन क्या होने वाला है मेरा, देखो डार्क पोर्शन अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, देखो डार्क पोर्शन लिखूंगा मैं डी थीटा। अब किसी को क्लियर समझ में आना चाहिए कि भाई सर थीटा क्या है
और ये सर ये डी थीटा क्या है? थीटा बहुत बड़ा एंगल है, लेकिन डी थीटा एक वेरी स्मॉल वैल्यू है। ठीक है, क्लियर है आपके? अब आ जाते हैं क्यूब और इस वाले पॉइंट पे। इस वाले पॉइंट को हमने एम वाला पॉइंट कहा था उसमें। तो ये देखिए एम, अब क्यू से एम तक की मुझे डिस्टेंस चाहिए, आप देखना। और जो क्यू से एम तक की डिस्टेंस होगी वही ये डिस्टेंस होगी। इस डिस्टेंस को मुझे नाम देना है तो एस टी नाम दे देते हैं। चलिए ये एस है, ये टी है, ये नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो अभी अभी मैंने एक फार्मूला उसमें आपको बताया था कि ये देखिए ये मुझे चाहिए है। और ये डिस्टेंस क्या है, मान लीजिए ये क्यू डिस्टेंस है और ये एम डिस्टेंस है और ये ओ डिस्टेंस है। अब यहाँ से डिस्टेंस पूरा नापेंगे तो ये आर एंगल है और ये आर डिस्टेंस है और ये थीटा कितना है, ये आपका डी थीटा है। अब जब मैंने ये लिखा तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि डी थीटा इज इक्वल टू क्यू एम डिवाइड बाई आर। अब ये एक बेसिक फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का जो आपको मालूम होना चाहिए। तो इसके बेसिस पे अगर मैं एक आर्क निकालना चाहूँ आपके, तो आर्क निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डी थीटा में मुझे आर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि मेरा अगर क्यू एम की आप लेंथ मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा आर डी थीटा। ये मैंने अपनी लेंथ फाइंड आउट कर ली जो किस डायरेक्शन में है, ये थीटा के डायरेक्शन में है। देखिए ये मत सोचिएगा कि ये थीटा के डायरेक्शन में, क्योंकि देखिए थीटा एक क्या है, एक कर्व लिए हुए। अगर मेरे आप हाथ को देख पा रहे हैं तो देखिए कर्वेचर है, एक इस बॉल में एक कर्व है। कर्व क्या है, वही एंगल बना रहा है थीटा। तो वैसे ही हमें सरफेस पे लेना है, तो सरफेस पे क्या होगा, ये कर्व है। तो कर्व होगा तो क्यू एम की वैल्यू और वही एस टी की भी वैल्यू। अगर मैं बोलूँ एस टी की वैल्यू आपसे कोई पूछेगा तो आर डी थीटा है। तो अगर इसका वेक्टर पॉइंट की आप बात करेंगे तो वेक्टर पॉइंट में मैं जाऊँगा और वेक्टर पॉइंट में यहाँ पर मैं पहले डी एल की लेंथ लिखने वाला हूँ। तो मैं डी एल की लेंथ में पहले मैंने लिख दिया डी आर ए आर, ये मैं कैप लगा देता हूँ यहाँ पर, प्लस अब मैं लिखूंगा आर डी थीटा ए थीटा। अब देखिए इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि सही वैल्यू क्या है, आर मल्टीप्लाइड बाई थीटा है। वो क्यों है सही वैल्यू, अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पर कि हमें क्या करना है, ये क्यू एम की वैल्यू निकालना है। और क्यू एम की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। ये देखिए मैंने सबसे ऊपर ये फॉर्मूला जो मैथमेटिक्स का निकाला हुआ है, ये एंगल और लिख देता हूँ आपको फॉर्मूला। जो एंगल होता है वो आर्क डिवाइड बाई रेडियस होता है। ये एक फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का, उसका यूज करके मैंने इसमें क्यू एम की वैल्यू निकाली है। तो क्यू एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका ये डिफरेंशियल लेंथ है, डिफरेंशियल लेंथ। तो डिफरेंशियल लेंथ मेरा अब आर थीटा हो जाएगा। और देखें जरा करेक्ट आंसर क्या है, अब देखिए करेक्ट आंसर में लिखा हुआ है आर थीटा, इसका मतलब हमने जो निकाला है एकदम करेक्ट है। इस पर कैप लगा लीजिए, लगाना है तो बोल्ड है तब भी पता होना चाहिए, यूनिट फैक्टर होता है तब भी आप कैप लगा लीजिए। चलिए एक और बात करते हैं, अब आगे क्या संभव है। अब देखिए अब हम इसकी बात करते हैं कि इसको अगर M से मैं परपेंडिकुलर इस पर एक लाइन डाल देता हूँ, M से मैंने स्टार्ट किया और इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी और ये मैंने डॉट बना दिया, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी यही किया था। देखिए M से क्या किया मैंने, M से एक परपेंडिकुलर ली है और लाइन N में ड्रॉ कर दी है। तो देखिए यही बात मैं अभी यहाँ भी करने वाला हूँ। ये देखिए ये M से मैंने क्या किया, ये N में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर। अब आप मुझे बताइए कि ये एंगल थीटा था तो बाकी जो एंगल, देखिए डी थीटा तो बहुत स्मॉल एंगल है उसको तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन ये वाला एंगल तो थीटा आपको मालूम है। तो आप बताइए कि ये जो बचा हुआ एंगल है, बचा हुआ एंगल थोड़ा सा इश्यू आ गया, ठीक है ओके, बचा हुआ एंगल की बात करेंगे हम। तो बचे हुए एंगल की बात करेंगे तो देखिए ये थीटा है अगर आपका, यहाँ से मैं बात करूँ तो ये मेरा जो है, ये देखिए ये पूरा का पूरा ये मैं कवर कर रहा हूँ, ये थीटा है। फिर उसके बाद आपको ये डी थीटा मिला और फिर उसके बाद आपको ये आपको एंगल मिला। तो अब मैं जानना चाहता हूँ आपसे ये वाले एंगल की वैल्यू, और ये वाले एंगल की वैल्यू जो स्टूडेंट अपने आप लिख दे समझ जाइए कि वो बिल्कुल सही उसका माइंड काम कर रहा है। तो एक्चुअली में इसका वैल्यू होगी आपकी 90 माइनस थीटा माइनस डी थीटा, लेकिन डी थीटा मैंने बोला आपसे बहुत स्मॉल है इसलिए मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। तो क्या बचेगा आपका, इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो ये बचा हुआ जो एंगल है ना, ये सरफेस से जो बना रहा है वो एक्स वाई प्लेन से जो एंगल बना रहा है ये कितना है आपका 90 माइनस थीटा है। तो अब आप देखिए कि ये मैंने परपेंडिकुलर लाइन डाल दी है ओ से,
और ओ से अगर एम की बात करूं, तो अब मैं यहाँ पर कुछ बातें आपको यहाँ लिखना चाहता हूँ जो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि ओ एम की लेंथ क्या है। ओ एम की लेंथ मैं लिखूंगा तो आर लिखूंगा। अब आपसे मैं पूछूंगा कि ओ एन बराबर क्या होगा, तो आपको मुझे आंसर देना चाहिए कि आर मल्टीप्लाइड बाई कॉस 90 माइनस थीटा बराबर आर साइन थीटा, बिकॉज ये ओ एन की लेंथ हम ऑलरेडी जो है स्फेरिकल सिस्टम में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये कोई नई बात नहीं कर रहा। आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, अदरवाइज आप मेरे पुराने वीडियोस में जाओ और वहां से जो है आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। चलिए अब दूसरी चीज बात कर लेते हैं। देखिए एक और बात कर लेते हैं कि मैंने पिछली बार बात की थी कि अगर ये सिलेंड्रिकल सिस्टम होता तो ये हम एक्स वाई प्लेन पर खड़े हुए हैं। एक्स वाई प्लेन में फिर मैं सिलेंड्रिकल प्लेन की बात करूं कि अगर आप एक्स वाई प्लेन में खड़े हुए हैं तो एक्स वाई प्लेन में ये जो पॉइंट होता है ऑरिजिन, यहाँ से सरफेस का डिस्टेंस कितना होता है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना होता है, रो होता है। तो एक और बात निकल के आती है यहाँ पे स्टूडेंट को कि ओ एन की वैल्यू तो रो के बराबर है और बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो रो किसके बराबर है, आर साइन थीटा के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर वैल्यूज हैं। अब देखते हैं ये फाई एंगल क्या कहता है। ये देखिए ये फाई एंगल दिखाई दे रहा है, मैं डार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ रेड से। देखिए डार्क करने की मैंने थोड़ी सी कोशिश की है और ये बताया है कि देखिए ये मेरा कौन सा एक्स एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये पूरी की पूरी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस से मैं कहाँ जा रहा हूँ, ओ एन की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो कितना एंगल मैंने बनाया है, ये देखिए मैंने फाई एंगल बनाया है। ये छोटा सा लिख देता हूँ मैं फाई एंगल, और बड़ा लिखना है तो ये लिख दीजिए, लीजिए मैंने बड़ा बना दिया, ये पूरा का पूरा फाई एंगल है। अब फाई एंगल के बाद मैंने फिर एक स्मॉल फाई एंगल काटा है जिसका नाम मैंने क्या दिया है, डी फाई। अब यहां से लेके यहां तक अगर ये मैं बात करूंगा तो ये कितना है, डी फाई। इसको मैं पूरा का पूरा जो है कलर डार्क फिल कर देता हूँ। फिल करने से क्या होगा, आपको समझ में भी आएगा और मैं भी आपको बता पाऊंगा कि ये पूरा का पूरा जो फिल किया हुआ एरिया है मेरा, ये बहुत छोटा एरिया है। तो अगर आप इसके बारे में बात करेंगे तो मैं बोलूंगा ये डी फाई बहुत छोटा एंगल। चलिए इसका डायग्राम बहुत क्लियर कट बाहर बना लेते हैं। ये देखिए ये मेरा ओ है, ये मेरा एन है, और ये मेरा एंगल कितना है, ये मेरा डी फाई का एंगल है, ये मेरा डी फाई का एंगल। अब मुझे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये टी की, तो ये देखिए ये जो टी है ना इसी का ये प्रोजेक्शन है, ये कोई कर्व नहीं है, ये टी का ही प्रोजेक्शन है। और इसका नाम देना है अगर, तो चलिए मैं इसको पॉइंट का नाम आर दे देता हूँ अभी फॉर द टाइम बीइंग। तो देखिए ये आपका एन है और इसी का जो प्रोजेक्शन अगर एस टी का, वो मेरा आर है। अब मुझे निकालना है आर से एन का डिस्टेंस। अब आप कहेंगे सर ये आर का एन का डिस्टेंस क्यों निकालना है, क्योंकि देखिए अगर आप बात करें फाई की डायरेक्शन में, तो फाई की डायरेक्शन में मुझे एम से टी की जगह ये डिस्टेंस निकालना है। देखिए आप इस क्यूब को मैं थोड़ा कलर करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए आप ध्यान से। तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ना जिसमें मैंने एरो बनाया है, इस डिस्टेंस का नाम है क्यू एस बराबर एम टी बराबर एन आर। ये तीनों वैल्यूज आपस में बराबर है। हो सकता है किसी को लग रहा हो सर एन आर तो बहुत ज़्यादा है, उसको फिर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेंगे, क्योंकि ये मैंने प्रोजेक्शन ड्रॉ किया है। प्रोजेक्शन में आपको 2D में ऐसा लग रहा है वो ज़्यादा है, लेकिन ये परपेंडिकुलर लाइन है, बिल्कुल ये भी एक परपेंडिकुलर लाइन है, ये भी एक परपेंडिकुलर लाइन है, ये 90 डिग्री के एंगल है सर। तो क्या होने वाला है, ये मुझे एन आर की वैल्यू चाहिए, तो फिर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा और ये मेरा डिस्टेंस कितना है, ये मेरा आर साइन थीटा का डिस्टेंस है। तो मेरा आर एन की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो वो क्या बन जाएगी, आर साइन थीटा डी फाई। देखिए आप ये वाली वैल्यू बन गई। अब जरा हम ओरिजिनल करेक्ट आंसर पे आ जाते हैं। देखिए अब करेक्ट आंसर की बात करूं, ये मेरा करेक्ट आंसर है आर साइन थीटा डी फाई। ये देखिए इसीलिए ये जो है आर साइन थीटा डी फाई को मल्टीप्लाई किया है मैंने इस वाले ए फाई वाले यूनिट वेक्टर में। अब क्लियर हो गया आपको, अगर क्लियर नहीं हो गया दूसरी बार वीडियो देखो, नहीं क्लियर हुआ आपको जो टेक्स्ट बुक दी गई है टेक्स्ट बुक में आप थोड़ा सा स्टडी करके आगे बढ़ो। फिर आपको ये DS1 DS2 निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, दो भी कोई भी वैक्टर के आप वैल्यू ले लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये DS1 DS2 DS3 की वैल्यू आ जाएगी। तीनों टर्म को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब आर को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, आर साइन थीटा से, नहीं आर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये डी आर तो क्या बन जाएगा, ये आई स्क्वायर साइन थीटा बन जाएगा। तो ये हमारा ये वॉल्यूम आ जाएगा। ये देखो अगर मैं बात करूँ डी वी की, तो डी वी हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, डी आर डी थीटा और डी फाइव। ये देखिए वॉल्यूम लिख रखा है मैंने और ये मैंने वैल्यू।
तो ये कुछ बातें हैं आज मैंने आपसे करना चाही थी, क्योंकि मुझे लगता है दिस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना। अगर आपको डिफरेंशियल लेंथ आपको नहीं आता निकालना है, तो सर ओवरऑल द कंक्लूजन बता दीजिए सर क्या है। तो अगर कंक्लूजन बात करूंगा तो मैं बात करूं तो कार्टेशियन प्लेन की बात करूंगा, दूसरा मैं सिलिंड्रिकल प्लेन की बात करूंगा, तीसरा मैं स्फेरिकल प्लेन की बात करूंगा। तो तीनों के प्लेन की मैं अलग अलग अगर बात करूं आपसे, तो देखिए इसके बारे में मैं जब लिखूंगा तो कुछ ऐसा लिखूंगा डीएक्स एएक्स, लेकिन इसमें जब लिखूंगा तो मैं लिख दूंगा डी रो एरो, और इसमें जब मैं लिखूंगा तो मैं लिख दूंगा डी आर ए आर। इसकी अगली वाली अगर मैं डिफरेंशियल लेंथ लिखूंगा तो मैं लिखूंगा डी वाई ए वाई, लेकिन यहां पे मैं लिखूंगा तो मैं रो डी फाई, यानी एक रो को मल्टीप्लाई करना मेरे लिए जरूरी हो जाता है, और डी फाई को और ए फाई। और मैं फिर इसको जो है अगर मैं आपका स्फेरिकल में लिखूंगा तो स्फेरिकल में लिखूंगा तो मैं फिर आर को मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, और डी थीटा की बात करूंगा क्योंकि मुझको यहाँ पर ए थीटा लिखना है और ए कैपिटल। इसी तरह अगर मैं डी जेड की बात करूंगा तो मैं डी जेड की बात करूंगा, ए जेड की बात करूंगा, लेकिन इसके बारे में बात करूंगा तो मैं खाली डी जेड लिख दूंगा और ए जेड लिख दूंगा। 1. फिर से जरा मैं पेन ले लूं, यस डी जेड और ये ए जेड हो जाएगा, मेरा कैप लग गया। सो ये बात मेरी डी जेड और ए जेड के लिए वैलिड है, बट यहां पर आ जाऊंगा तो मैं फिर आर साइन थीटा डी थीटा की बात करूंगा और ए फाई की बात करूंगा, सॉरी ये डी फाई की बात करूंगा और ए फाई की। तो ये देख रहे हैं आप बेसिक चीज क्या है इन तीनों में डिफरेंस। देखिए इसमें इट इज वेरी सिंपल, बट इसमें क्या किया है मैंने रो को मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें क्या किया मैंने आर को मल्टीप्लाई किया, और इसमें आर साइन थीटा को मल्टीप्लाई। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन क्यों हुए हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आगे आपको मैं पूरा का पूरा ना डेल ऑपरेटर पढ़ाने वाला हूँ, और डेल ऑपरेटर को मैं लिखूंगा किसके, कार्टेशियन प्लेन के रेफरेंस में भी लिखूंगा, सिलिंड्रिकल प्लेन के रेफरेंस में भी लिखूंगा, और स्फेरिकल प्लेन के रेफरेंस में लिखूंगा। आगे के सारे फॉर्मूले मैं तीनों प्लेन में लिखने वाला हूँ, और वहां आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि आप ये दिमाग में बैठा लें कि जब भी आपका ए वाला फाई का एंगल आएगा तब हमें ये रो को मल्टीप्लाई करना ही करना है, अगर आप ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आपका ये आंसर गलत होने वाला है। तो ए फाई में जब भी आऊंगा मैं तो क्या करूंगा, ये रो को मल्टीप्लाई करूंगा। इसी तरह जब मैं ये ए थीटा में आऊंगा स्फेरिकल के तो मैं आर को मल्टीप्लाई करूंगा, ये देखिए, और जब मैं ए फाई में आऊंगा स्फेरिकल के तब आपको आर साइन थीटा में मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये जो टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ये आप समझ पा रहे हो ये तीन टर्म एक दो और तीन मल्टीप्लाई क्यों हो रहे हैं, तो आगे वाले आप डेल को जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, डेल इसको कहते हैं, डेल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। तो डेल आप जब पढ़ोगे तो मैं जब डेल ऑपरेटर पढ़ाऊंगा तो आपको कार्टेशियन प्लेन में डी अपॉन डी एक्स कर दूंगा, डी अपॉन डी वाई कर दूंगा, डी अपॉन डी जेड कर दूंगा, लेकिन जब मैं आपको सिलेंड्रिकल में करूंगा तो मैं डी अपॉन समथिंग करूंगा, डी अपॉन अलग अलग स्फेयर और कार्टेशियन में करूंगा, तो वो वहां पर रो और आर का रोल आएगा। इसीलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ, पहले आप मेरा ये वीडियो समझ लीजिए अच्छे से और देख लीजिए कि इस फॉर्मूले में रो आर साइन थीटा कहाँ आ रहा है, क्यों आ रहा है, और उसको अपने मन में बसा लीजिए। आई होप कि हमारा ये सिलिंड्रिकल स्फेरिकल और कार्टेशियन प्लेन का ये जो जर्नी रहा है, ये इमेजिनेशन जो है जो इतने वीडियोस में मैं आपको कराना चाह रहा हूँ, वो आप प्रॉपर कर पा रहे हो। अगर आप कर पा रहे हो तो मेरा वीडियो बनाना सक्सेसफुल है, अदरवाइज इन वीडियोस का कोई मीनिंग नहीं। तो मैं वीडियो आई एम गोइंग टू स्टॉप हेयर द वीडियो नाउ, नेक्स्ट टाइम हम कर्ल की बात करेंगे डिटेल में। ओके, थैंक यू।